स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक नाउन्स। यू नो इन अ सेंटेंस व्हेन अ नाउन इज यूज इट कैन बी यूज इन अ जनरल वे, गिव अ जनरल आइडिया, और इट कैन बी यूज टू कन्वे स्पेसिफिक आइडिया और स्पेसिफिक मीनिंग्स। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ नाउन इज यूज इन जनरल वे और इन अ स्पेसिफिक वे, व्हाट आर द हिंट्स वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। सो आपने क्या करना है, गिवन नाउन, जो भी आपको नाउन दिया गया है वो जनरल है या स्पेसिफिक है। अब हम देखते हैं कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए सेंटेंस के अंदर कि वो जनरल है या स्पेसिफिक है। आए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लॉज ऑफ स्पेसिफिकेशन। कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस के अंदर जो नाउन है वो स्पेसिफिक यूज हुआ है? देयर आर थ्री थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, जिसे पता चलेगा कि नाउन स्पेसिफिक है। और अगर नाउन स्पेसिफिक है, हमने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दी लगाना होता है। तो वो कौन से तीन पॉइंट्स है? नंबर वन, अगर आपका नाउन उसके साथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हो, फॉर एग्जांपल द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच। अब आपका नाउन तो मैच है, लेकिन इससे पहले द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज हुई है, दैट्स व्हाई वी विल यूज आर्टिकल द। तो द इज स्पेसिफिक। तो जब भी हमने देखना है दी लगाया है, करेक्ट लगाया या इनकरेक्ट लगाया, तो आपने देखना है कि ये नाउन जो है इसके साथ सुपरलेटिव तो नहीं आया। अगर आया है तो हम दी को कंफर्म करेंगे कि ये करेक्ट है। वी कांट से आ मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच, हम आर्टिकल आ नहीं लगा सकते, इनडेफिनेट आर्टिकल कोई भी नहीं लग सकता। वेन एवर अ नाउन हैज सुपरलेटिव एडजेक्टिव बिफोर, इट इज मस्ट फॉर अस टू राइट द। नंबर टू, डबल रेफरेंस। समटाइम्स आपके सेंटेंस में एक नाउन को रिपीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन वॉज स्टैंडिंग बाय द रोड साइड, द मैन वॉज हंग्री। अब जब सेकेंड टाइम वो कॉमन नाउन आएगा, द लगाएंगे हम, वो स्पेसिफिक हो जाता है। फर्स्ट रेफरेंस जब होता है तो हम उसको आ के साथ लिखते हैं, जब उसी नाउन को सेकेंड रेफरेंस में लिखते हैं हम, वी यूज इट इन अ स्पेसिफिक वे, तो हम दी के साथ लिखते हैं, डबल रेफरेंस। नंबर थ्री, पोस्ट मॉडिफायर्स। पोस्ट मॉडिफायर्स वो डिटेल्स होती हैं किसी भी नाउन के बाद जो उसको डिफाइन कर रही होती हैं। अ मैन हु वाज एट द डोर, ये जो हु वाज एट द डोर है ये पोस्ट मॉडिफायर है। ये क्लॉज की सूरत में भी आ सकते हैं, हु वाज जैसे, या एट द डोर सिर्फ फ्रेज भी लगा सकते हैं। एनीवेज, अगर किसी भी नाउन के बाद कोई भी डिटेल्स हो जो उस नाउन को डिफाइन कर रही हो तो वो स्पेसिफिक होता है, तो हम फिर आ नहीं लगा सकते, आ विल बी रॉन्ग। तो फिर लिखेंगे द मैन Who was at the door? तो आपने जब भी नाउन के बाद मॉडिफायर्स हो, डबल रेफरेंस हो या सुपरलेटिव हो, तो आपने कहना कि ये नाउन स्पेसिफिक है एंड वी विल यूज आर्टिकल द। अब आते हैं नाउन के साथ आर्टिकल का बड़ा मसला होता है, तो कॉमन नाउन से पहले जो आर्टिकल्स हैं उनको हम कैसे लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा आर्टिकल लगना है? तो मैं आपको एक टिप बताता हूं, बड़ी आसान सी है, अप्लाई करें हर नाउन के साथ जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और ये देखें कि वो सेंटेंस में किस पैटर्न में यूज हुए हैं, तो आपके लिए आर्टिकल की मिस्टेक्स को फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आर्टिकल्स नाउन से पहले आते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे पता चलेगा कि आर्टिकल कौन सा लगेगा। तो डेफिनेटली यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन। देयर इज अनदर फीचर व्हेन वी यूज नो आर्टिकल एट ऑल, दैट इज कॉल्ड जीरो आर्टिकल, एंड वी राइट दिस व्हेन नो आर्टिकल इज नीडेड। तो हम अब देखेंगे कि कब कौन सा आर्टिकल लगना है, कब कौन सा आर्टिकल नहीं लगना। तो उसके लिए तरीकाकार एक पैटर्न है, पैटर्न इज वेरी सिंपल। अगर आप किसी भी वर्ड को देखें जिस वर्ड के साथ आपने आर्टिकल लगाना है, सपोज यहां पे वो वर्ड लिख ले, उसके बारे में आपने एक क्वेश्चन रेज करना है कि वर्ड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो डेफिनेटली या वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर है तो देखना है उसका यूज क्या है, यूज या वो जनरल में यूज हुआ होगा या वो स्पेसिफिक में यूज हुआ होगा। इसलिए अगर प्लूरल है तो भी उसका यूज या जनरल में होगा या स्पेसिफिक में होगा। अगर वो अनकाउंटेबल है, डेफिनेटली अनकाउंटेबल कैन नॉट बी सिंगुलर प्लूरल, तो उसका यूज डायरेक्ट आएगा कि वो जनरल यूज है या स्पेसिफिक है। तो जब एक नाउन, जिसको आपने, अगर वर्ड आपका नाउन है, तो आपने ये देखना है कि
अगर वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, मैंने बता दिया उससे पहले आपने 1, 2, 3, 4 जो न्यूमेरिक्स है वो अप्लाई करने हैं, 1 book, 2 books, तो आपको पता चल जाएगा वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो अगर वो काउंटेबल है और सिंगुलर है और वो सेंटेंस के अंदर जनरल यूज में है तो यू यूज आ और एन आर्टिकल। ये आपकी पहली लर्निंग है, ये पहला रूल हो गया। इफ योर नाउन इज सिंगुलर बट स्पेसिफिक इन अ सेंटेंस वी यूज द, ये दूसरा रूल हो गया। इसी तरह अगर आपका काउंटेबल नाउन प्लूरल है वो जनरल सेंस में यूज हुआ है, यू विल यूज नो आर्टिकल एट ऑल, इस पर कोई आर्टिकल नहीं लगाना, इसको कहते हैं जीरो आर्टिकल। फिर हम देखते हैं अगर नाउन प्लूरल और स्पेसिफिक में यूज हुआ है वी यूज द, तो ये जीरो आर्टिकल आपका तीसरा रूल निकल आया और ये स्पेसिफिक आपका चौथा रूल है। अब आ जाते हैं अनकाउंटेबल, अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल और वो जनरल सेंस में यूज हुआ है तो आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यू विल अप्लाई जीरो आर्टिकल। इसी तरह अगर वो स्पेसिफिक है तो डी लगेगा, ये आपका चेंज। तो ये 6 point रूल्स है जो आपके लिए हेल्प होगी। अब हम इसको अप्लाई करते हैं किसी भी वर्ड पे। अब हम इसे इन एग्जांपल्स में इन वर्ड्स को देखते हैं कि ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होगा। सो वी नीड सम एग्जांपल्स। तो यहां फ्लावर से पहले आर्टिकल कोई भी नहीं आएगा, या आएगा या द आएगा। लुक एट इट, ये प्लूरल है तो एक तो अंडरस्टूड होगा कि ये आ नहीं आना। अब हम देखेंगे वी विल बिगिन आवर सेंटेंस विद फ्लावर्स गिव फ्रेग्रेंस या द फ्लावर गिव्स फ्रेग्रेंस, इसको हम देखेंगे इस फ्रेम में रखें। नाउ योर वर्ड इज फ्लावर्स, फ्लावर्स काउंटेबल है और ये फ्लावर्स प्लूरल है। अब इस सेंटेंस में आगे इसका यूज जनरल या स्पेसिफिक, फ्लावर्स गिव फ्रेग्रेंस ये कि जनरल आइडिया है, तो जनरल आइडिया में हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, सो आवर सेंटेंस विल बिगिन विद नो आर्टिकल, फ्लावर्स गिव फ्रेग्रेंस। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, इसमें भी मैंने वर्ड फ्लावर्स यूज किया है। अब हमने देखना यह है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, आर्टिकल कौन सा इसके साथ आएगा। फ्लावर्स, अब यहां पे वर्ड लिखे फ्लावर्स, अब ये काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ ये जनरल या स्पेसिफिक सेंस दे रहा है। रीड द सेंटेंस, फ्लावर्स इन द वॉज। अब जो मैंने लॉज ऑफ स्पेसिफिकेशन आपको बताए थे, एनी डिटेल्स अबाउट द नाउन मेक्स इट स्पेसिफिक, तो ये फ्लावर्स अब स्पेसिफिक हो गया बिकॉज ऑफ दिस डिटेल इन द वाज। नाउ अब ये प्लूरल और स्पेसिफिक है तो हम दी के साथ लिखेंगे, सो ये इनकरेक्ट होगा, फ्लावर्स इन द वाज गिव फ्रेग्रेंस। अब हम लिखेंगे द फ्लावर्स इन द वाज गिव फ्रेग्रेंस, अब इसके साथ आर्टिकल दी आएगा। लाइट का यूज अब जनरल या स्पेसिफिक है, तो इन द रूम बता रहे हैं ये स्पेसिफिक है तो आर्टिकल दी लगेगा, तो यहां पे इसके साथ दी लगाना पड़ेगा, द लाइट इन द रूम इज डिम। तो स्टूडेंट यू कैन अप्लाई दिस रूल 6 rule फार्मूला टू चेक वेदर यू आर यूजिंग करेक्ट आर्टिकल्स आर नॉट। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग, अल्लाह हाफिज़।